दोस्तों, अगर आप यंग एज में ही रिटायर होना चाहते हैं या आप जवानी में ही पूरे पैसे कमाना चाहते हैं और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें हम रिटायर यंग रिटायर रिच बुक समरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आप यंग और अमीर रिटायर कैसे हो सकते हो इस पर हम बात करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं? अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं? आप जवानी में ही पैसे ज़्यादा वादा कमाना चाहते हैं? आप जवानी में ही रिटायर होना चाहते हैं? तो अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये बुक आपके लिए ही है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फर्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अपने अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक पैसा भी नहीं था। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक को इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके यंग एज में ही रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद में ही भरोसा नहीं है, लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफ के वे गोल्स सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दे। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती है, इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस के फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने के पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, अपना गोल बनाना होता है, प्लान बनाना होता है और काम शुरू करना होता है। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का एक ही तरीका है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे ही डाउट कराने लगता है और फिर सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए, इसलिए पैशन क्रिएट करो और आपको अपनी मंजिल तक वो खुद लेकर के जाएगा। दोस्तों, अगर आप यंग एज में ही रिटायर होना चाहते हैं तो आपको दूसरी तरीके से काम करना चाहिए, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से दुनिया के 90% लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था, अपने सेल्फ डाउट की वजह से बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटा में चला गया। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। यह स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी बना और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान के लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकता है या फिर पीछे भी धकेल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पर कितना हावी होने देते हैं। यंग और ये रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैसन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। इसमें पैसन जिस जिनमें पैसन होता है वो टॉप तक पहुँच कर ही दम लेते हैं, जिनमें पैसन नहीं होता वो पहली बार फेल होते हैं, गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी दोबारा ट्राई नहीं करते। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद लोगों को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकते हैं, लेकिन ये भी सच है हम सब गलतियाँ करते हैं। जो बीत गया है उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम देता है, वो सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होते होंगे तो आप
आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसके मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब होने लगी। धीरे धीरे उसकी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी असर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। सी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ और स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी हेल्दी हो जाता है। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यंग एज में ही रिटायर हो जाना चाहिए। दोस्तों, यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है पर कई लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायर लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो और बुढ़ापे तक आप बहुत सारी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ले सकोगे जो बाकी लोग नहीं ले पाते। हम सब मिस्टेक्स करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि हम उनसे कुछ लेसन लें। जैसे एग्जांपल के लिए, जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद को ही बेटर तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, हाउ आई रिटायर अर्ली। रिटायर होने के क्या तरीके हैं? दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफ़ी फर्क होता है। वैसे दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस है लेकिन इसे आप यूज़ कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम बोरोवर या उधारी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कैसे आथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मॉर्गेज बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया। ये स्टोरी आपको बताएगी कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफ़ी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा पैसा अर्न कर लिया। और कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जाइंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंगशॉट के साथ हराया था। इस स्लिंगशॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज़ किया क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर जानता था, इसलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मोर्टेज बैंकर से पैसे को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। डेब्ट लेना काफ़ी रिस्की भी है अगर इन्हें राइट वे में यूज़ ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्रॉपर तरीके जैसे मॉर्गेज बैंकर्स से डेब्ट लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल इस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं है। तीसरा पॉइंट, हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फार्मूला, कम मेहनत में ज़्यादा कमाई। इसलिए
हमें स्मार्टली काम करना होगा जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर लेने के लिए। लेवरेज की पावर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज़्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सके। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स की काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी और चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज़ करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स को रिस्क लेने से डरते हैं और यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। यही होता है लेवरेज का यूज़ करने पर। अगर आप लेवरेज को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो आप टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती चीज़ है। जो लोग टाइम के पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैप करने का भी उसके पास टाइम नहीं होता। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज में बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। छठवां पॉइंट, द लेवरेज ऑफ योर माइंड। व्हाट यू थिंक इज रियल इज योर रियलिटी, यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है, अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलियर ही होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, पर इम्पॉर्टेंट यह है कि हर फेलियर के बाद आप फिर से खड़े हो पाते हैं या नहीं। लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, सच तो ये है कि उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है अमीर बनना मुश्किल है, दूसरे को लगता है अमीर बनना आसान है। यही उनके थिंकिंग में डिफरेंस को दिखाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फेलियर हमारे ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, इस तरह उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता रहा जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने आप को लेकर एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट था। ये एग्जांपल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, वैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना भी रिस्की नहीं है जितना एक हाईवे पर गाड़ी चलाना है। सातवां पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक इज़ रिस्की, आपको क्या रिस्की लगता है। दोस्तों, अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फ़र्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीबों की थिंकिंग का फ़र्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना कपड़े खरीदते थे, उन्हें लगता था डेली यूज़ के आइटम से पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लोग लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग्स कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में किसी भी टाइम को इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह से छोटी मोटी सेविंग के बावजूद भी वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग्स ने उसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना करके दिया और वो जल्दी ही अमीर हो गया। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न में काफ़ी बड़ा फर्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को एफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड
कराई। ये फोर्ड की दरियादिली थी जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। आठवां, हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर, कम काम करके ज़्यादा कैसे कमाएं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बेड डेप्ट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम देखते हैं तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। तीन टाइप की इनकम होती है, ऑर्डिनरी, पेसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको ज़िंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना चाहिए, जबकि पेसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर अगर आप फोकस करें तो आप बहुत जल्दी ही यंग एज में ही रिटायर हो सकते हैं। पेसिव पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्सेस पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीज़न है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पेसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। दोस्तों, एक एम्प्लॉय हार्डवर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल इस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज़्यादा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप में आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे समय तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। नौवां पॉइंट, द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच, अमीर होने का सबसे फास्ट तरीका। अगर आप यंग और रिच रिटायर होने की सोच रहे हैं तो जॉब के बजाय बिजनेस में फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीक से हटकर चलते हैं। एक कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करना पड़ता है। ये बुक आपको सिखाती है जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस देने पर आप जल्दी ही 9 to 5 वाले जॉब के पैटर्न से बाहर आ सकते हैं और आप अपने बिजनेस में अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो करके जल्दी ही रिटायर भी हो सकते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसकी ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्डवर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर होता है। जैसा कि लोग कहते हैं, कम्फर्ट जोन एक अच्छी तरह है, अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में आपने ये तो समझ गए, इस बुक से आपने ये तो समझ गया कि ग्रोथ के लिए आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। आपको सेल्फ डाउट्स और लेजीनेस को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप में पैशन है, आप खुद पे यकीन करते हैं, तो कोई भी आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोक नहीं सकता। आपकी सक्सेस और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे बेटर वर्किंग पैटर्न बना करके आप बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ लेवरेज आपके फेवर के में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज़्यादा लेने की टेक्निक को लेवरेजेस बोलते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि गुड डेप्ट और बेड डेप्ट क्या होता है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले एबिलिटी पर भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक्स आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं, बस आप फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है, हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ है वो कल सक्सेसफुल ज़रूर होगा। दोस्तों, अमीर और गरीब की थिंकिंग में फ़र्क होता है। अमीर लोग रिस्क का आइडिया क्रिएट ही नहीं करते, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी भी नए आइडियाज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आपको राइट इनकम पर फोकस करना है, जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना होगा। अपने आज को बदलने का सबसे फास्ट तरीका यही है, अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ डिफरेंट और नए आइडियाज सोचो। एक बार अपना माइंडसेट चेंज करके देखो, सक्सेस आपके इंतज़ार में खड़ी मिलेगी। दोस्तों,
यही है रिटायर यंग एंड रिटायर रिच बुक की फुल समरी, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। दोस्तों अगर आप ये आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो इसे आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, और आपके लाइफ में जो भी चेंज आए वो हमें कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।